अंडरवर्ल्ड बादशाह दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के बादशाह दाऊद इब्राहिम की। जब कभी भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम अंडरवर्ल्ड के बादशाह दाऊद इब्राहिम का आता है। आइए आपको लेकर चलते हैं दाऊद इब्राहिम के जीवन की तरफ। दाऊद इब्राहिम का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। दाऊद इब्राहिम के पिता का नाम इब्राहिम कास्कर था। वो मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर थे। दाऊद इब्राहिम की माता का नाम अमीना था। दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा नाम है जिसके आदेश पर मुंबई पुलिस का कमिश्नर तक बदल जाता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम कितना ताकतवर होगा। दाऊद इब्राहिम के पास इस समय 35,000 करोड़ की संपत्ति है। मुंबई अंडरवर्ल्ड दुनिया में लगभग सभी काम दाऊद इब्राहिम की इजाजत से ही होते हैं। दाऊद इब्राहिम एक कंपनी को चलाता है जिसका नाम डी कंपनी है। दाऊद इब्राहिम को बहुत बुरी आदतों का शौक था, इसलिए वह अपने बचपन से ही चोरी, डकैती, लूटपाट, फिरौती, ड्रग सप्लाई जैसे भयंकर अपराधों को अंजाम देने लगा था। दाऊद इब्राहिम अभी समय मुंबई अंडरवर्ल्ड का राजा है। दाऊद इब्राहिम अपने प्रारंभिक दिनों में बहुत ही गरीब था। जिस दाऊद इब्राहिम को हम लोग पैसों के दम पर आज दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कहते हैं, दाऊद इब्राहिम अपने बचपन में करीम लाला, हाजी मस्तान जैसे डॉन लोगों को देखकर अपने बचपन को गुजारा करता था। और दाऊद इब्राहिम पहले करीम लाला की गैंग में शामिल हुआ था। वर्ष 1980 के दशकों में दाऊद इब्राहिम ने अपना नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड दुनिया में बहुत तेजी से ऊपर लाया। इस कारण उसकी पहुंच अपराध की दुनिया में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सट्टे दुनिया में। वर्ष 1977 में जब दाऊद इब्राहिम ने हाजी अली में हुए एक हमले में स्मगलर के जहाज को लूटा था, और इसी के बाद दाऊद इब्राहिम को जैसे लगा कि वह जुर्म का राजा हो गया है, दुनिया की सबसे चमकने वाला सितारा बन गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी पकड़ जमाता गया। दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में नहीं बल्कि दुबई जैसे आलीशान शहर को भी अपना रिहाइश बना लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वह चाकू, तलवार, देसी रिवॉल्वर का उपयोग करने लगा। इसी प्रकार से उसकी सबसे पसंदीदा हथियार चाकू, तलवार, रिवॉल्वर, देसी तमंचा हुआ करता है। लोगों का ऐसा कहना है कि दाऊद इब्राहिम अपने सभी हथियारों को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बनवाया करता था। अब के समय दाऊद इब्राहिम AK-47, AK-56A आदि ऑटोमेटिक बंदूक को राइफलों का इस्तेमाल करता है। दाऊद इब्राहिम लगभग 13 बार अपने नाम बदल चुका है। लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम खुद को पुलिस की नज़रों से बचाने के लिए अपने चेहरे के ऊपर कई बार प्लास्टिक सर्जरी भी करवा चुका है। दाऊद इब्राहिम को आतंकवाद फैलाने का बहुत शौक है। दाऊद इब्राहिम को लेकर बहुत सी फिल्में बनाई जा चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1993 में मुंबई में एक बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ था। इस भयानक बम विस्फोट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को ही माना जाता है। इसी बम विस्फोट में लगभग 300 लोगों की मौत भी हो गई थी, जबकि 700 से 750 लोगों की बड़ी बुरी हालत थी। दाऊद इब्राहिम के ऊपर अनेक खुफिया एजेंसियों को बैठाया गया है, जिससे यह दावा लगाया जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम का संबंध बिट्रेन सिंडिकेट पश्चिमी यूरोप में भी बहुत भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को बेचने का कार्य करता है। वर्ष 2003 में दाऊद इब्राहिम के ऊपर भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार ने आतंकवादी करार दे दिया था। दाऊद इब्राहिम को न केवल आतंकवादी बल्कि वैश्विक आतंकवादी की उपाधि भी प्राप्त है।